नियंत्रण रेखा के करीब करीब 16,000 फीट ऊंची टाइगर हिल एक भव्य चोटी है। द्रास से देखने पर यह एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान, जहां सर्दियों के दौरान तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाता है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग इससे 5 से 6 किलोमीटर दूर है। इस पर चढ़ने का एक ही तरीका है कि LOC पार किया जाए और पीछे से आ जाए। मई 1999 के महीने में जैसे ही पाकिस्तानी घुसपैठ के लिए रेड अलर्ट की आवाज आई, टाइगर हिल का महत्व सामने आ गया, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग से थोड़ी दूरी पर होने के कारण यह महसूस किया गया कि बाद में राजमार्ग को देखने वाली चोटियों से निपटा जा सकता है, जैसे टोलोलिंग को साफ किया जाता है। सिख द्रास में आने वाली पहली कुछ बटालियनों में से एक थी। कारगिल से 6-7 किलोमीटर दूर राजमार्ग पर झोपड़ियों का एक समूह। कर्नल SP सिंह को शुरू में टाइगर हिल। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत IEC जल्द ही समुद्री परीक्षणों के लिए तैयार हो रहा है और 2022 में इंस विक्रांत के रूप में पूर्वी नौसेना कमान में शामिल होने की उम्मीद है। 24,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज ने अपने ट्विन सीटर 18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट को खड़ा किया है, जो स्की जंप रैंप से संचालित हो सकता है और सुरक्षित इंडो पैसिफिक के लिए एक सक्षम हो सकता है। भारतीय नौसेना IN के प्रस्ताव पर 18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 अमेरिकी नौसेना USN का सबसे उन्नत बहुभूमिका फ्रंटलाइन लड़ाकू है और बेड़े के लिए वर्थोर है और ऐसा ही रहेगा निकट भविष्य के लिए। अंकुर कनागलेकर, हेड इंडिया फाइटर सेल्स बोल डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कहते हैं। उनके अनुसार USN आने वाले दशकों तक ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट का संचालन करेगा। अपनी तीव्र प्रौद्योगिकी प्रविष्टि योजना के साथ ब्लॉक 3 आने वाले दशकों के लिए खतरों से आगे निकल जाएगा। यह अगली पीढ़ी का विमान भारतीय सशस्त्र बलों को वर्तमान और भविष्य के खतरों से बचाने के लिए तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय यात्रा से पहले अंकुर कनागलेकर, हेड इंडिया फाइटर सेल्स बोल डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने हुमा सिद्दीकी के साथ 18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के बारे में बातचीत की। 18 सुपर हॉर्नेट INS विक्रमादित्य और IC-1 विमानवाहक, हालांकि वाहकों को MiG-29 के ले जाने। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारत और चीन के बीच अगले दौर की वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ घर्षण बिंदुओं से अलग होने का समझौता हो सकता है। हालांकि कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 12वें दौर की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, जिसमें पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि ये कभी भी हो सकते हैं। कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित नहीं की गई है और बातचीत इस सप्ताह या अगस्त की शुरुआत में हो सकती है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, हालांकि वे हड़ताली सीमा के भीतर हैं, चीन द्वारा खाली हुई चोटियों पर फिर से कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। धरातल पर स्थिति स्थिर है, जो एक सकारात्मक संकेत है। ऐसी भावना है कि चीनी पक्ष अन्य जगहों से अलग होने के लिए तैयार है। चीन के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है और इस बात के संकेत हैं कि विघटन का अगला दौर जल्द ही शुरू होगा। भारत और चीन के लिए सेनाओं के बीच गतिरोध को 15 महीने लंबे हो गए हैं। कोर कमांडर स्तर की वार्ता,